तो बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का, यह है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हमेशा आता है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है। इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजीली आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टेक अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.73। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम सबसे पहले डायग्राम जो हैं उसको सही ढंग से बनाइए। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को आप समझिए। इसमें एक टावर है, मान लीजिए मैं एक टावर बनाता हूँ, एक टावर है और इस टावर को नाम दे दीजिए आप ए बी। इसके ऊपर में एक फ्लैग लगा हुआ है, मान लीजिए वो फ्लैग है, और उस फ्लैग को नाम दे देता हूँ मैं ए सी। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि इससे कुछ डिस्टेंस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो फ्लैग स्टाफ का या फ्लैग का बॉटम है वो 30 डिग्री है, और जो उसका टॉप है वो 45 डिग्री है। देखिए डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया, तो आप इसको डी दे दीजिए। ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो बड़ा एंगल है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। और मान लीजिए टावर का हाइट एच है, और जो फ्लैग स्टाफ है उसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर, और गिवन क्या है, ए सी जो फ्लैग स्टाफ है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और एंगल बी डी ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये ध्यान देना है कि इसमें दो ट्राइंगल होते हैं, तो एक ट्राइंगल है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल ए बी डी है उसमें 10 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए 10 का वैल्यू क्या होता है, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपन बी डी। तो इसमें ए बी एच है और हमको बी डी को बी डी ही लेना है, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू एच अपन बी डी। अब देखिए बी डी जो है इसको अगर अपन अब सॉल्व करें तो बी डी इसमें एच के फॉर्म में आ जाएगा, तो बी डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, √3 H। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। बच्चों क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें, तो इन ट्राइंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका बी सी है और इसका बेस बी डी है। अब यहाँ पे देखिए बी सी क्या है, ए बी प्लस ए सी है, तो उसको लिख सकते हैं बी सी को ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। अब यहाँ पे 10 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू ए बी एच है, एच प्लस 6 डिवाइडेड बाई बी डी। अब इक्वेशन 1 से बी डी का वैल्यू क्या है, √3 H है। अब √3 H को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 H इक्वल टू एच प्लस 6, और आगे जाके सॉल्व करेंगे तो आर ये इस एच को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा √3 H माइनस एच इक्वल टू 6, आर इसमें एच कॉमन है तो √3 − 1 इक्वल टू 6। ये आर जो हाइट ऑफ टावर है एच इक्वल टू हो जाएगा 6/√3 − 1। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, तो 6 × √3 + 1। इसमें देखिए एक आइडेंटिटी है क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर − 1, और सॉल्व करेंगे तो 6 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 − 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 2, तो 6 × √3 + 1
डिवाइडेड बाई टू, टू वन जा टू थ्री जा तो थ्री, और इसमें बोला है कि रूट थ्री के वैल्यू को हम लोग को 1.73 लेना है, तो 1.73 प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2.73, और इसको कैलकुलेट करेंगे 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6, 8, तो 8.19 मीटर जो हाइट ऑफ टावर है वो होगा। तो यहाँ पेंसिल लिख देंगे हाइट ऑफ टावर एच इक्वल टू 8.19 मीटर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे मैंने बनाया आपको ध्यान दे के इसी तरीके से बनाना है। आप लोग वीडियो को बार बार देख के आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स आपको 100% मिलेगा। तो चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं।